सायकम सर, कैसे हैं सर? ठीक है सर, चलिए बताइए। चलिए सर, पहले आओ। थैंक यू सर, थैंक्स। बहुत बार ऐसा लगता है कि इधर आऊं, वो है हमारे साथ ही है। मेरे पास खुद अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ आपको, कि जो चीजें हुई हैं वो दिल को हला देने वाली चीजें। रोज़े भी रखती थी मेरे साथ, कभी मंडे का, थर्सडे का। अम्मा मैं भी रखूंगी, रख लो बेटा। आपने सब्र करना। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी बेटी नूर मुकद्दम का जो है कमरा है, उसका बेडरूम है। वो अपने बेडरूम से बहुत प्यार करती थी, हमने उसी तरह उसको सजा के रखा है जैसा वो था। उसके कपड़े वैसे ही रखे हुए, और इसके जॉगर्स जो वॉक करती थी तो पहनती थी वो भी रखा हुआ है। उसका ये पानी जो उसका लास्ट पानी था वो वैसे के वैसे ही है। दिखाएं। मैंने उसको छेड़ा ही नहीं उस पानी को। इस पानी की कीमत आप ही जानती होंगे। हाँ, उसका पानी, उसके हाथ का पानी है, उसने खुद भरा था। और ये भी जो इसकी अलमारी है, ये खुद उसने पेंट की है, ये सब कुछ उसने खुद पेंट किया है। अलमारी का कलर उसको पसंद नहीं था तो उसने खुद किया है। और ये जो वॉल है ये उसने खुद पेंट की है। एक हफ्ते में मैं उसके हाथ दर्द हो जाते थे, मैं कहती थी मैं हाथ दर्द हो गए बेटा, मैं दबा दूँ, कहती थी नहीं 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 मैं ठीक हूँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। उसकी ये उसने मुझसे जिद करके, अम्मी आई लाइक दिस, मुझे चाहिए। फिर हम जाके लेके आए खरीद के। हाँ, उसको पुरानी चीज़ों से, अपने हाथ से हर चीज बनाने से वो खुश होती थी। हमें कार्ड भी देती थी बर्थडे, तो अपने हाथ से बनाती थी। तो उसकी उसको पसंद था इसी तरह का, कि हाथ से बनी हुई चीज़ें जो होती है ना उसको पसंद। ये देखें पूरी दीवार, जब उसमें एक दिन यहाँ सोई साथ मुझे ले आई, मैंने कहा अच्छा नूर तुम्हें कितना मज़ा आता होगा ना यहाँ लेट के, तुम्हें इतना प्यारा गार्डन दिखता है जैसे पूरा। कहती हाँ अम्मी मज़ा आता है। और फिर ये शेड उसको शीशे के नहीं पसंद थे, खुद बनाए और लगाए उसने खुद। हर चीज उसने खुद बनाई है। ये उसका हज का बैग है। ये हज पे गई थी तो ये हज का बैग संभाल के उसने रखा हुआ है। उसने हर चीज उसकी संभाल के रखी है। ये उसने 2013 में एंड में उसने हज किया था। हज की हाँ सब किताबें वगैरह जो मिलती है ना हाजियों, वो सब रखी हुई उसने इसमें। इसमें कुछ इसकी फाइलें यहाँ पे और कहाँ पे, यहाँ पे ये जो होता है ना, ये किताबें मिलती है ना हज के लिए वो सब। और एक छतरी भी थी, छतरी कहाँ गई? ये हज का उसका जो है ना मिलता है, जो लगा के। ये हज का ही है? नहीं है, दूसरा वाला है शायद। हज का इसी में है, इसी के पास हज का कार्ड भी है। हज का कैलकुलेटर अपना जी, माशाल्लाह। ये हज का नहीं है, ये तो स्कूल का है, आईवी कॉलेज का है। ये ज़्यादा हज का भी है। एजुकेटेड प्लस आर्टिस्ट, ऊपर से अल्लाह को बहुत इबादत करती थी। अल्लाह को बहुत ओबे करना जैसा करती। हाँ, लोगों को भी। ये रे दो, ये छतरी माशाल्लाह। ये टॉर्च मिलती है ना जो माशाल्लाह हज पे, ये है हज का कार्ड। ये रहा इसका, ये हज का कार्ड। हाँ, हज का ये जो पहन के इसे दिखाया जाए ताकि
पता चले कि इतना अच्छा चाइल्ड पाकिस्तान में गया। रिलीजन ये देखें, हर जगह ये लेके घूमती थी के कुबला देखने के लिए। इसके पास अपना बैग हो, अपनी एक अम्ब्रेला हो। ये देखें कुबला की नमाज जहाँ जाती थी वो नमाज की डायरेक्शन के लिए वो रखती थी। ये दो किताबें ये पढ़ती थी। The rights and duties of women in Islam, the journey of love. The journey of soul. The journey of soul. ये सब ऐसी किताबें अब आप उससे अंदाजा लगाओ किस तरह की लड़की थी, किस तरह की बच्ची थी। सारी दुआएं हैं इसमें। यकीनन जाती है, जाती होगी। ये देखा आपने हज पे, ये सब जो हज पे मिलती है ना चीजें वो रखती थी साथ अपने। नूर मुकद्दम सब लिखा अपना। जो लोग बातें करते हैं उन लोगों को पहले इन चीजों को देख के थोड़ा सा उस जहां के बारे में सोचना चाहिए। वो तो लोगों ने उस जहां भी जाना है। और ये इसकी कुरान वगैरह ये पढ़ती थी अपनी, इसकी वो थी कुरान की ट्रांसलेशन की सब, इससे ये कुरान सीखती थी। इससे वो कुरान इससे पढ़ती थी, इससे समझती थी, उसका तलफ्फुज़ जो है वो उसको समझ। फिर उसका ये था कि ये कुरान की जो मस्नूई दुआएं होती हैं प्यारे नबी की दुआएं, तो उसमें ना ये उसका मार्क होता था, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ये उसका हर जगह का मार्क, हर बुक में हर जगह ये मार्क मिलेगा इसका। ऐसा अच्छा चाइल्ड जो चीजों को अल्लाह ने जो इंसानों के लिए बनाई है उसे एक फर्ज समझना और उसे ओबे करना, ये उसका निशान होता था। हर काफी जगहों पे ये हमें मिला है। इसके इस रूम में जब भी आप आती हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप हाथ लगाना, पास बैठना, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कहाँ करना आप पसंद करती हैं इस पूरे कमरे में? मैं तो यहीं आके नमाज पढ़ती हूँ, यहीं आके कुरान पढ़ती हूँ, और क्योंकि वो पढ़ती थी तो हर जुम्मा सूरह कहफ जो है मैं यहाँ आके पढ़ती हूँ, क्योंकि नूर पढ़ती थी नूर, वो कंटिन्यूस। और वो जो है यहाँ पे और भी इसकी कुछ ये पेंटिंग का सब इस पे करती थी ना, रख के सब चीजें उसकी चीजें जो है। और मुझे तो लोगों की वो किताब में लिखती थी यासीन क्या है सूरह, इसमें सब उसने लिखे हैं, सारे नोट्स हैं इसमें के कुछ ये माशाल्लाह, तो वो नोट्स लिखती थी। वो इस्लाम वो 6 मंथ का कोर्स कर रही थी इस्लामिक, वो नोट्स लिख रही थी सारे, तो वो नोट्स उसके मिले हैं सारे। और वो जब हज पे भी जाती थी तो मीना में जब हम जाते थे तो वहाँ पे ये वो एक कुरान टीच वो पढ़ाती थी अरबी औरत, तो वो हर एक को थोड़ा थोड़ा देती थी। तो इसको भी कहा पढ़ने तो ये रो रही है। हमने कहा क्यों रो रही है? तो कहती है बिकॉज दिस इज माय कुरान, आई डोंट नो अल्लाह इज व्हाट अल्लाह इज सेइंग टू मी, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अल्लाह मुझसे क्या कह रहे हैं। और उसके बाद उसने इतनी मेहनत की कुरान को और ना उसको समझने की कि उसको बहुत सूरतें याद थी। मुझसे कहा कि मम्मा मैंने सूरह कहफ की 10 आयत याद कर लिए, दज्जाल के शर से बचने आप भी इसको याद कर लीजिए। फिर उसने मुझे सूरह मुल्क खुद सुनाई कि अम्मा मैंने पूरी सूरह मुल्क मम्मा मैंने याद कर ली है। एक महीने 1.5 महीने पहले की बात है, उसने मुझसे कहा बातें आपको। एक रमजान में बीमार हो गई, वो पहला रमजान है, आज तक मैंने रमजान नहीं छोड़ा, हम लाइफ में कभी नहीं छोड़ा। आपको कुछ मैंने याद है? एक वो पहला रमजान मैंने छोड़ा तो उसने पूरा रमजान अपने पापा भाई को सहरी कराई, इफ्तारी दी, और जब चांद देखा तो कहती है थैंक्स गॉड अल्लाह आई डन माय जॉब। मैंने इतना वो हो गई कि मैंने ये
देखें ये जो चीजें उन्होंने की है ये उसको जो अच्छा लगता था वो मतलब मैंने कहा ये पसंद नहीं है मैं खुद कर रही हूँ खुद कर दिया बस वो पूरी दीवार यहाँ सामने है वो कर दी उसने खुद ही। कोई आखिरी दिनों में कोई बात आपके पास कुछ ऐसा याद हो कि जो उन्होंने आपके पास बैठी हो कुछ लास्ट कोई मोमेंट्स कुछ दिन पहले मुझे कहा कि आप नीचे आ जाए जरा सो मेरे साथ सो जाए ना मैंने कहा अच्छा चलो आ जाती हूँ फिर फजर में मैं उठ जाऊँ ताजू हाँ ठीक है तो मैं सोती मैं हिलती बहुत हूँ पलटती हूँ मुझे वो कर रही थी कि लाइक क्या है आप तो बहुत हिलती हैं भाई मम्मा आप स्लीप कैसे करती हो ये भी उसने बनाया है नूर ने ही बनाया है ये भी नूर ने ही पूरे घर को नूर ने ही सजाया हाँ नूर ने ही बनाया नूर ने ही इस घर में रौनक लगाई हुई थी हाँ अभी भी जो आता है कहता है नूर है इस घर में बहुत नूर है और शायद यही इसमें देखे सब पीएनसीए में जो हुआ था तो पीएनसीए सारे जो आए थे उन्होंने लिखा सब में नूर कैसी थी नूर क्या थी सब कुछ नूर का लिखा आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया हाँ क्या somebody call her आपी somebody call her बच्चे जो छोटे ना वो लोग के हमारे उसकी दोस्तों की जो बहनें थी छोटी नूर वापी में ही नूर वाला काम करती सबके नाम है हमारे एम्बेसडर हैं उनकी बीवी का है वो भी जो है उस्मान भट्ट उसने वो लिखा है एक्टर जो है उस्मान भट्ट नूर वाकई में इस घर में नूर छोड़ गई हाँ। आज हम लोग भी हैं तो नूर की वजह से हैं ये दरवाजा हमने लगाया तो मैंने कहा यार इसको पेंट कर दे नहीं नहीं मम्मा डोंट पेंट आई लाइक दिस वे अच्छा चलो रहने दो आर्टिस्ट ये दोनों आइलैंड से किया और उसने कोरिया से किया है ये बड़ी और ये कोरिया में उसने पूरे से वर्ड्स में डिफाइन करके बताएंगे नूर किस तरह का चाइल्ड थी नूर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटीज की चाइल्ड थी बहुत उसमें बहुत ऐसी क्वालिटीज थी जो हमें बचपन से हम इसको वॉच कर रहे थे ये बहुत हमदर्द रहती थी बच्चों के साथ बड़ों के साथ हम जब किसी से मिलने जाते थे वो जाके जो घर में वहाँ बूढ़ी औरतें होती थी उनके साथ बैठ जाती थी उनकी बातें सुनती थी वो हम पूछे थे आपको इसको उनको क्या समझ आ रहे हैं आप तुमको तो बात बड़ी रिपीट करती हैं ये बेचारी भूल जाती बूढ़ी औरतें तो नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ बैठ कर के और वो लोगों के दुख और सुख बांटना जानती थी और यहाँ तक के अपने बर्थडे में जा कर के तोहफे इकट्ठे करती थी और जाके जूतों की दुकान से खाली डब्बे लेती थी और अपनी दो तीन सहेलियों को लेकर के फिर ये यतीम खाने जाती थी तो यतीम जो बर्थडे अपनी जो है यतीम खाने में मनाती थी और ऐसा चाइल्ड अल्लाह ने आपको दिया इट वाज अ गिफ्ट जी वो जी आप सही कह रहे हैं कि उसका नाम भी नूर हमने जॉर्डन में पैदा हुई थी और ये पैदा जब हुई थी तो इसका नाम कुरान शरीफ से मैंने निकाला था कि नूर आया था और ये बचपन से इसकी बहुत क्वालिटीज थी एक बार वो आ गई अपने काम वाली को बच्चियों को ले करके तो वो उसने बोला कि भाई मैं घर में अकेली हूँ बच्चियों को छोड़ नहीं सकती हूँ तो ये हम काम करना था उसने हमारे घर तो उसने बोला चल कोई बात नहीं बच्चों को नीचे ले गई उनको कलर पेंसिल वगैरह दे के उनके साथ कलर वलर करती रही और उसको रिलीजन से बहुत ये था इसने कोशिश की कि इस्लाम को पढ़े और इस्लाम को समझे और इस्लाम के अलावा दूसरी बाइबल और दूसरी किताबें भी पढ़कर समझना चाहती थी रिलीजन के बारे में कोरिया में एक आदमी को इसने मुसलमान बनाया और एक जो उसके हिंदू फ्रेंड्स थी उनको उसने कुरान शरीफ दी जो पढ़ करके बहुत मुतासर हुए इस्लाम से तो ये सूरह मुल्क जो है उसने याद कर ली थी जो मैं हर रोज़ रात को पढ़ता हूँ लेकिन मुझे अभी तो याद नहीं है माँ को बताया कि आप सूरह कैफ के शुरू के 10 सूरे पढ़ लें तो जो है ना आपको
जो ना दज्जाल के आप जो है शर से बच जाएंगे। जो हुआ है वाकिया एक नॉर्मल चीज नहीं थी जी, और इसे नॉर्मल चीज वो जो टॉर्चर जितने घंटों का उन्होंने टॉर्चर बर्दाश्त किया ये इट वाज अनबिलीवेबल। हाँ, बस उसने बहुत कोशिश की अपनी इज्जत आबरू बचाने की कोशिश की, क्योंकि वो उसको पता ही था यहाँ, क्योंकि बहुत से उसकी सहेली ने बताया कि अपनी माँओं को, उनकी माँओं ने हमें बताया कि हमारी बेटियाँ कहती हैं कि मम्मी इट कुड हैव बीन अस, ये तो हम इसके घर बहुत बार जा चुके हैं दाहिर के घर, इसलिए कि इसकी बहन से हमारी बड़ी दोस्ती थी और इससे भी ये भी स्कूल में हमारे पढ़ा हुआ था, इसके हमारी दोस्ती थी, हम जानते थे इसको, तो सालगिरह में इसकी फैमिली की सालगिरह होती थी, शादी होती थी किसी की, खुशी या गम में हम शरीक होते थे, इसके घर में हम जाते थे, तो हमें कभी यकीन नहीं था कि इस तरह का दरिंदा हमारे घर फिर रहा है। तो ये जाहिर बात है यहाँ के स्कूल के बच्चे छोटे से बचपन से यहाँ जानते हैं किसी को, पढ़े हुए यहाँ के हैं, और इस्लामाबाद में जो स्कूल हैं इतने ज़्यादा नहीं हैं, कराची और लाहौर में बहुत बहुत ज़्यादा स्कूल, बड़ा शहर है, तो ये जो है इस्लामाबाद में जो स्कूल हैं बीकन हाउस सिटी स्कूल, हेड स्टार्ट, अमेरिकन स्कूल, ये सब कुछ इन्हीं स्कूल, लाहौर ग्रामर स्कूल जहाँ नून भी पढ़ती, उसकी बड़ी बहन भी पढ़ती थी, तो ये सब बच्चे यहाँ पढ़े हुए हैं, यहाँ के जानते हैं एक दूसरे को, तो छोटी सी उम्र में, जाहिर बात है अभी वो प्रोफेशनल लाइफ में है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो सब एक दूसरे से मशवरा करते हैं, हेल्प लेते हैं, जो एक नॉर्मल सोशल सेटअप में होता है। बातें सुबह से रात तक कुछ उनकी आपको याद आती है, कोई चीज़ देख के कि वो जैसे आपके पास ही है, बीच में है? बहुत बार ऐसा हमें लगता है कि वो, हम तो लगता है कि मैं अल्लाह उसको शहीदों का दर्जा देगा, और आपको पता है शहीद तो हमेशा जिंदा रहता है, हमें बहुत बार ऐसा लगता है शहीद अराउंड, वो है हमारे साथ ही है, और हम नीचे उस कमरे में हम जब जाते हैं, उसने कमरे में पेंटिंग वेंटिंग की हुई है, तो हमेशा ऐसा लगता है कि वो उसकी मौजूदगी में हमें फील होती है कि वो है। प्रेस क्लब के लोगों ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो भी इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं आपका चाइल्ड है। बात यह है कि लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये फोकस रहे, और प्रेस क्लब का मैं बहुत मशहूर हूँ कि ये कर रहे हैं, वो आपका बहुत मशहूर हूँ मैं, जियो के भी आए नुमाइंदे, तो ये बात यह है, तो ये जब तक ये मैसेज, और बात यह है कि इंग्लिश में कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, ये मीडिया के टेंशन में रहना चाहिए और ये पब्लिक सिविल सोसाइटी के टेंशन में रहना चाहिए, और ये मैं पहले भी दरख्वास्त कर चुका हूँ और सुप्रीम कोर्ट से मैं बहुत मुदबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके इस केस को एक ऑर्डिनरी केस में समझें, ये बहुत तकलीफ़ दे रही है लोगों को, पेरेंट्स को तो दे रही है, लेकिन हमारे बहुत सारे फॉरेन सर्विस की जो है उनके ज़ाहिर बात है हमारे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, बाहर पोस्टिंग होती हैं, तो बहुत सारे एम्बेसडर्स जो है ना जब उनकी बेटियाँ फाइनल ईयर में होती हैं या एक साल होता है मेडिकल में या कहीं कर रही हैं यूनिवर्सिटी में, तो बोलते हैं यहाँ रह जाएंगे हम, एक साल बाद आ जाएंगे आपके पास, जहाँ पर उनकी बाहर पोस्टिंग है, बोलते अभी हम अकेले नहीं रह सकते, हम किसी आप कहेंगे फ्लैट में या कुछ इसका अकेले रह जाएं या दो लड़कियां मिलकर रह जाएं, बोले हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बोले हमें हर वक्त डर लगता है कि कोई इस तरह कातिल आएगा और पर हमें कत्ल कर देगा। बात यह है पाकिस्तान की खातून जो है बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत मतलब समझदार है, और हमारी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, 3 बार स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली बन चुकी हैं, ठीक है ना, और आपके जेट फाइटर उड़ाती हैं पाकिस्तान की खवातीन, और फौज में लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक में पहुँच गई हैं, और सबसे बड़ी बात अभी सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस खवातीन बन गई हैं, तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा जो है थिंकिंग का टाइम है, सोचने का टाइम है, और खवातीन बहुत आले मनसब पे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को से दरख्वास्त है कि इस केस को जल्द से जल्द लेकर निपटाएं, ताकि जब तक 4-5 ऐसे बड़े फैमिली के इन्फ्लुएंशियल पैसे के फैमिली जब तक कोई फांसी पे नहीं लटकेंगे, तब तक लोगों को जो है कोई कानून से खौफ नहीं आएगा। एक अच्छा चाइल्ड, एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छी बेटी जिसे एक प्राउड पाकिस्तानी
हम कह सकते हैं, और साथ ही में एक अच्छी बेटी। ये व्यूअर्स, मेरे हाथ में वो चीज़ है जो शायद ही बहुत कम बच्चे प्यार से अपने बाप के लिए बनाते हैं, लेकिन आजकल जो इसका रिवाज है वो भी कम हो चुका है। टू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। वी ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मैनी मोर टू कम। व्यूअर्स, इस बारे में तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि क्या हम आजकल के जो लोग और जो आजकल का रिवाज चल रहा है उसमें शायद ही ऐसी चीज़ें आपको एक चाइल्ड में मिलेंगी। और ये नूर एक ऐसा बच्चा था जिसमें अल्लाह ने हर तरह की खूबियाँ डाली हुई थी, अल्लाह की इबादत से लेकर एक इंसानी हकूक सोशल से लेकर एक अच्छे आर्टिस्ट, एक अपने घर को एक नूर की तरह चमकाने वाला एक इंसान। हमने आज उस इंसान को खो दिया। शायद ये बहुत अरसे बाद जाके समझ आएगी कि हमने क्या क्या चीज़ें जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, शायद इस मुल्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, ऐसा आर्टिस्ट हमारे मुल्क के लिए एक नाम बना सकता था। हमने आज उस एक बड़े आर्टिस्ट, एक अच्छे बच्चे, एक अल्लाह की चीज़ों पर चलने वाले इंसान को खो दिया। और अल्लाह ना करे कि शायद और किसी की नूर के साथ इस तरह का हो। हमने इसी चीज़ को रोकना है, और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस से हमें इसी चीज़ की हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे इंसान को उससे भी बुरी दर्दनाक सजा दी जाए। चलें, इसी के साथ खुदाफिज़ करते हैं, फिर मिलेंगे किसी जगह ऐसे ही लोगों में और ऐसी ही जगहों पर। खुदाफिज़ कहते हैं।